बच्चे नेक्स्ट आपका करना है टू कंस्ट्रक्ट टर्म सिंबल फॉर द होमोटॉमिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, कल आप जो पिछली वीडियो सी उस आप टर्म सिंबल कर लिया सी की होंगे आह डेल्टा 2s+1 जी या यू पॉजिटिव से नैगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नैगेटिव रिफ्लैक्शन के लिए सी स्पिन मल्टीप्लिसिटी से आ गई सी जी रेड से अनजी रेड। ठीक है बच्चे, जो लैमडा सीगा आह डेल्टा ये 0, 1, 2 हों एंगुलर मोमेंटम हों 0 वास्ते सिगमा, ठीक है 1 वास्ते पाई, 2 वास्ते डेल्टा। तो आप फॉर एग्जाम्पल H2 पॉजिटिव मोलीक्यूल की गल करते हैं बच्चे, H2 पॉजिटिव मोलीक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होंगी 1s1 होंगी है। ठीक है, तो बच्चे क्योंकि इसे सिंगल बॉन्ड ही होएगा तो जो इनका डेल्टा है एंगुलर मोमेंटम है वो सिगमा होएगा। ठीक है, जो इन 2s+1 वैल्यू की है क्योंकि इको इलेक्ट्रॉन है ऑन दिस स्पिन ऑब्वियसली अप होएगी, तो 2 × 1/2+1 तो कितनी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, हूँ सिगमा है एस है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमिट्रिकल होंगे, सिमिट्रिकल वास्ते आप यूज़ करते हैं जी रेड, तो उनके लिए की आएगा जी। ठीक है, तो टर्म सिंबल की बन गया 2 मल्टीप्लिसिटी सी, जो आन की वैल्यू सी सिगमा सी। ठीक है, नाल की सी अपने को जी सीगा। ठीक है, 2σg। ठीक है, पॉजिटिव तो नैगेटिव बारे बच्चे नहीं पता चलते तो उसमें लीव कर सकते हो। ठीक है, इदा ही तुम H2 मोलीक्यूल का कर सकते हो, बस उनके अपने को 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन करके अपने को 2 × 1, क्योंकि एक की स्पिन की होएगी अप, दूजे की स्पिन की होएगी डाउन होगी। ठीक है, क्योंकि अपन पता है जो एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है, जिम्मे 1s2 है, एक 1s ची दोनों है, तो एक की अप एक डाउन 0 होएगा। ठीक है, तो अपने को जो इतने एस की वैल्यू है वो 0 होगी, तो 1 2s+1 की वैल्यू की होगी 1। ठीक है, अपने को सिगमा, तो टर्म सिंबल की आ गया भी एस ऑर्बिटल सिमिट्रिकल 1σg। ठीक है, O2 पॉजिटिव मोलीक्यूल वास्ते देखो बच्चे, O2 पॉजिटिव मोलीक्यूल के लिए अपने को O2 के डबल बॉन्ड हों, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो पाई होगा। ठीक है, तो बच्चे इन ना आप O2 पॉजिटिव की जो आप कंफिगरेशन देखते दे लास्ट के उत्ते। ठीक है, लास्ट के उत्ते जो अपने को होंगे एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन वास्ते तो टू अप स्पिन होगी, तो 2 तो अपने को। ठीक है, क्योंकि ये की है अपने को लास्ट के उत्ते 1s इलेक्ट्रॉन सेगा वो भी की होंगे सिमिट्रिकल, तो पाई 2πg। ठीक है, इदा ही O2 मोलीक्यूल वास्ते आ जाएगी। ठीक है, बच्चे नेक्स्ट आर्टिकल है सिलेक्शन रूल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वास्ते आप सिलेक्शन रूल दसने हैं। तो बच्चे फर्स्ट है स्पिन सिलेक्शन रूल, बच्चे स्पिन सिलेक्शन रूल दे विच की है अपने कोले कि अपने कोले मल्टीप्लिसिटी है जिहड़ी वो सेम होनी चाहिए है, मतलब सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन पॉसीबल है, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट पॉसीबल है, सिंगलेट टू ट्रिपलेट नहीं पॉसीबल, ना ही अपने कोले ट्रिपलेट टू सिंगलेट पॉसीबल है। ठीक है, सिलेक्शन रूल है उस बाद नैक्सट है अपने कोले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ऑर्बिटल जोड़ा एंगुलर मोमेंटम है वो अपने को ले की होना चाहिए सिग्मा टू सिग्मा, इन द सिलेक्शन रूल की होना चाहिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ली, ठीक है इन वास्ते बच्चे सिलेक्शन रूल होना की चाहिए वै कि जो डेल्टा जोड़ा अपने को है वह 0 या ±1 होना चाहिए है, 0 का की मतलब है सेम टू सेम। ठीक है, ±1 का की मतलब है कि एक मतलब सेम टू सेम, या पाई टू पाई होएगा, डेल्टा टू डेल्टा, ±1 का की मतलब है एक छड के, मतलब सिग्मा टू पाई पॉसिबल है। ठीक है, पाई टू डेल्टा भी पॉसिबल है, उल्टा भी पॉसिबल है क्योंकि -1 है, -1 का मतलब उल्टा, पाई टू सिग्मा भी पॉसिबल है, डेल्टा टू पाई भी पॉसिबल है। पैरिटी वास्ते सिलेक्शन रूल की है, नेक्स्ट सिलेक्शन रूल है पैरिटी की, पैरिटी की होनी चाहिए है, पैरिटी सेम नहीं होनी चाहिए, या जी टू यू होना चाहिए या यू टू जी होना चाहिए। ठीक है, जे अपने को सेम है फिर वह फॉरबिडन है,
फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपने को ले सिमेट्री दे, सिमेट्री भी की है अपने को ले सेम नहीं होनी चाहिए थी कि ठीक है जी सेम है मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव तो फॉरबिडन है ठीक है। तो बच्चे ये सी अपने को ले सिलेक्शन रूल कि स्पिन भी जी है सेम होनी चाहिए है, एंगुलर मोमेंटम जब सेम होना चाहिए या एक का डिफरेंस होना चाहिए, पैरिटी सेम नहीं होनी चाहिए, जो जो अपने को ले सिमेट्री है वो भी सेम नहीं होनी चाहिए, ये फॉरबिडन होगा ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आर्टिकल आप करना वै आप किता हुआ वै फिर भी तुम थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दें। टाइप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल इनवॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, टाइप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल इनवॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, किस टाइप के मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देंगे है बच्चे अपने को ले 3-6 मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे है, सिगमा ठीक है पाई डेल्टा सिगमा स्टार पाई स्टार सिगमा पाई एंड ठीक है। तो अपने को ले की है ठीक है होमो होंगे तो लूमो होंगे, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, लूमो मतलब लोएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ह्यूमो तो लोमो ट्रांजिशन होंगे है ठीक है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल टू लोएस्ट, क्योंकि जो हाईएस्ट होगा तो ही उपर जाऊगा। तो बच्चे जो ह्यूमो तो लोमो है ये सिगमा हो सकता वै पाई भी हो सकता है एन हो सकता है, सिगमा स्टार हो सकता है पाई हो सकता है ठीक है। तो अपने को ले की है एवलियन ट्रांजिशन पॉसिबल है सिगमा टू सिगमा स्टार, ये सिंगल बॉन्ड्स होंगे ठीक है, तुम दिखा दें आर्टिकल जिसे किता है वै ठीक है, सिगमा टू सिगमा स्टार पाई टू पाई स्टार एन टू सिगमा स्टार एन टू पाई स्टार ठीक है। एक किन्दे चुंदियाँ मैं जिन्ना च अपने को हैट्रो एटम्स होन डबल बोंड होन, ये डबल बोंड भी होन एन का की मतलब है हैट्रो एटम भी होन। उस तो बाद क्रोमोफोर तो ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर जिहड़े कि कलर इंपार्ट करते हैं, ऑक्सोक्रोम किहड़े होंगे जिहड़े कि वेवलेंथ नूं इनक्रीज कर देंगे है, जिवें अपने को सिंपल वेवलेंथ सी इन्नी, जो अपने को ऑक्सोक्रोम एन एस टू ऑक्सोक्रोम है इन्ना लग गया तो वेवलेंथ की होगी इनक्रीज होगी ठीक है। नैक्सट अपने को इंटेंसिटी ऑफ एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन, कंजुगेशन जिन्नी ज़्यादा होगी, कंजुगेशन की होंगे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, जिन्नी ज़्यादा कंजुगेशन होगी उन्नी ज़्यादा वेवलेंथ इनक्रीज़ कर दी जाओगी, जिमें कि अपने को जो कंजुगेशन बेटा कैरोटीन च इनक्रीज़ हो जाए तो जी वेवलेंथ है वो 280 नैनोमीटर तक हो जाती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स, इंटेंसिटी के आप दसना है कि जी आप ट्रांजिशन की सब तो ज़्यादा इंटेंसट कड़िया वै, तो सब तो ज़्यादा इंटेंसट कड़िया वै एन टू पाई स्टार या पाई टू पाई स्टार वाली ठीक है। तो बच्चे ये वाला सीगा सारा अपना चैप्टर खत्म हो गया अपना सिलेबस इस वीडियो के नाल ही, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ठीक है। ओके स्टूडेंट।